दोस्तों मोहम्मद अली का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और फेमस किस्सा है, अक्सर उनके कोर्ट्स में भी लिखा जाता है। ही यूज टू से दैट आई यूज टू हेट ईच मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग। उन्हें हर एक मिनट अपनी ट्रेनिंग का बहुत बुरा लगता था, बट वो कहते हैं कि वो ये भी याद रखते थे कि जितना ज्यादा स्वेट मेरा ट्रेनिंग में बहेगा, जितनी ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल मैं ट्रेनिंग में कर लूंगा, उतनी ही कम दिक्कत या परेशानी मुझे बॉक्सिंग रिंग के अंदर होगी। ये चीज हम सभी पर एप्लीकेबल होती है। इसी तरीके से आप सभी अभी रिलैक्स करना चाहते हैं, ऑल ऑफ यू आर टायर्ड, आपके 3 एग्जाम्स हो चुके हैं पर अभी बैटल खत्म नहीं हुआ है, चौथा एग्जाम आपका बाकी है। मैं आपसे यही कहूंगी कि आने वाले टाइम को, कल एक दिन है और टोटल अगर आप देखेंगे आज कल और परसों का हाफ डे मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 प्रोडक्टिव आवर्स आप निकाल सकते हैं। तो इस टाइम को अच्छे से यूज कर लीजिए ताकि आपको बाद में ना पछताना पड़े और 19 दिसंबर को 2 से 4 के बीच जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे तब आपको कोई भी दुख ना हो और आप अपने आप को थैंक्स कर पाए। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द एंटायर स्ट्रैटेजी एंड रिविजन प्लान, हाउ एंड वॉट यू हैव टू डू ड्यूरिंग दीज वन वन एंड हाफ कंप्लीट डेज। ऑलराइट, सो स्टे विद मी टिल द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इको बीसी के पेपर 4 जो है आपका, एक बात याद रखें, इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का पेपर होगा 60 नंबर का, बीसीके का 40 मार्क्स, बट थोड़ा सा रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है। सो अगर एग्जाम्स में आप देखें कि बीसीके के कम या बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं, डोंट पैनिक, स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे प्रिपेयर्ड फॉर दिस। हो सकता है बीसीके के 30 क्वेश्चंस आए, 45 आ जाएं, सो डोंट पैनिक देयर। जस्ट इतना आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपके सामने है उसका बेस्ट पॉसिबल गेस करो, अपनी नॉलेज को यूज करो और आंसर को मार्क करो। सो ये रेशियो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अब देखो, इकोनॉमिक्स की तैयारी हमें जो करनी है 60 नंबर की, वो है 5 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड। सो पांचों चैप्टर्स का वेटेज जो आईसीएआई ने दिया है वो मैंने यहां लिखा है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 5 सबसे छोटे और सबसे इजी चैप्टर्स हैं, दोनों का वेटेज 9 से 12, 9 से 12 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के क्वेश्चन दोनों चैप्टर्स से आएंगे, टोटल 20 मार्क्स। तो सबसे पहले आप चैप्टर 1 और चैप्टर 5 को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको इतना इंश्योर हो जाए आप कि 60 में से 20 नंबर का, मतलब 1/3 पोर्शन आपका इकोनॉमिक्स का टोटल कवर हो गया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रही हूं 3 इकोनॉमिक्स के वीडियोस के, चैप्टर 1 के 2 वीडियोस हैं और चैप्टर 5 का एक रिविजन वीडियो है, इन तीनों वीडियोस को आप देख लें, टोटल 1.5 आवर्स के वीडियोस हैं। अगर आप स्पीड इंक्रीज करके देखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, तो जल्दी आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद आप चैप्टर 2, 3, 4 को रिवाइज करेंगे कल। देखिए, चैप्टर 2, 3, 4 के भी रिवीजन वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो आप रिवीजन वीडियोस को देखकर क्विक रिवीजन कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका भी लिंक दे दूंगी। ऑलराइट, अब देखो इस तरीके से आप इकोनॉमिक्स का कंप्लीट रिवीजन कर पाओगे। और जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम एग्जाम के एक दिन पहले आप हमें चैप्टर 4 रिवाइज करवा दीजिएगा, सो कल मैं आपके लिए एक चैप्टर 4 का न्यू रिवीजन वीडियो अपलोड कर दूंगी। ऑलराइट, अब देखो बात आती है बीसीके की। बीसीके में टोटल 1 to 6 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर का अलग से आईसीएआई ने वेटेज नहीं दिया, मतलब आप अज्यूम कर सकते हैं कि सारे चैप्टर्स का इक्वल वेटेज है 6 से 7 नंबर का। अब देखो आज आपको क्या करना है, चैप्टर 1 और चैप्टर 5 दोनों छोटे चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स हैं, इन दोनों को रिवाइज करके आप सो जाएं। सो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 5 दोनों के रिविजन वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं। सो अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को भी कवर कर लेंगे 15 नंबर का आपका वेटेज यहां पर कवर हो जाएगा। सो 20 मार्क्स इकोनॉमिक्स हमने कवर कर ली, 15 नंबर की बीसीके कवर कर ली, टोटल 35 मार्क्स का पोर्शन आज हम रिवाइज करके सो जाएंगे। और
रिविजन करने के बाद आपको, आपके पास ऑफ कोर्स टाइम बचेगा, आज मैंने आपको टारगेट दिया है 4 से 5 घंटे आप आराम से स्टडी कर सकते हैं, तो रिविजन वीडियोस को देखने में आपको मैक्सिमम 2.5 आवर्स लगेंगे, उसके बाद का टाइम आपको यूज करना है इनके बैक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बैक क्वेश्चंस आई नो आपने पहले भी सॉल्व किए होंगे, पर अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस जो आपको डिफिकल्ट लगते हो उनको मार्क किया होगा तो उन्हें स्पेशली एक बार फिर से देख लें, ठीक है। सो आपको क्या क्या करना है, चैप्टर 1 एंड 5th ऑफ इको, चैप्टर 1 एंड 5th ऑफ BCK, इनके रिविजन वीडियोस देखने हैं जिनका लिंक नीचे मिलेगा, और इनसे रिलेटेड जो भी बैक क्वेश्चंस है उनको आपको एक बार सॉल्व कर लेना है, आंखों के आगे से निकाल लेना है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये करने के बाद 35 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। अब देखो कल सुबह 8 बजे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाली हूँ जिसमें पूरे इकोनॉमिक्स के जो भी 5 चैप्टर्स हैं उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं लोगों के, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट के नेम्स या जिन्होंने भी कोई इंपॉर्टेंट थियोरीज या कंसेप्ट दिए हैं और आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उसका एक PDF मैंने बना दिया है, वो PDF आप सभी ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक नीचे है, इट्स ऑल फ्री, सो डोंट वरी एट ऑल। उस PDF को जरूर डाउनलोड कर लें और उन सारे नेम्स को अच्छे से मैं आपको वीडियो में भी याद करवाऊंगी, बट उसके बाद भी एक और बार रिवाइज करके जाएं, अच्छे से याद करके जाएं। एग्जाम में आप गारंटीड उससे 4 to 7 marks के questions एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल सुबह 8 बजे आपको वो वीडियो मिलेगा, आप अलार्म लगा लें, जरूर वीडियो को देखें और PDF भी ले लें। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला, टुमारो आई गिव यू BCK मैराथन, इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 रिविजन वीडियो, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं न्यूमेरिकल्स का भी, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सबके फॉर्मुलेज और स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर दूं आपके साथ कल रात एक वीडियो में। और फिर 19th को मॉर्निंग में आपका पेपर है, 19th को राइट, 2 to 4 PM, सो मॉर्निंग में मैं आपको एक वीडियो दूंगी जिसमें वी विल डिस्कस अ फ्यू इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज पॉइंट्स विच यू शुड रिमेंबर व्हाइल अटेम्प्टिंग योर पेपर, जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है और जो मिस्टेक्स आपको एग्जाम में नहीं करनी है, वो हम 19th को बात करेंगे। अब देखिए आज आप चैप्टर 1 और 5th रिवाइज कर लेंगे इको और BCK का, कल आप चैप्टर 2, 3, 4 रिवाइज करेंगे इकोनॉमिक्स का, और अगर आप में से कोई भी इकोनॉमिक्स के मैराथन को देखना चाहता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, यू कैन वॉच द एंटायर मैराथन वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड यू कैन रिवाइज वेल। और BCK के जो चैप्टर्स बचेंगे, चैप्टर 2, 3, 4 एंड 6, वो भी कल आपको रिवाइज करने हैं। मेक श्योर कल रात को जब आप अपनी रिविजन को कंप्लीट करके सोएं, तब आप कुछ भी बाकी ना छोड़ें। डोंट थिंक कि मैं 19th की सुबह उठकर ये करूंगा या ये करूंगी, ट्राई करें अपना बेस्ट कि कल रात तक आप एक बार पूरा एक और BCK रिवाइज कर लें। फिर भी मैं आपको एक बार बोलना चाहूंगी, अगर कोई ऐसी चीज है जो आपने अभी तक टच नहीं की है, एक पर्टिकुलर टॉपिक या कुछ टॉपिक्स या एक चैप्टर, तो प्लीज अब उसके बारे में ना सोचें और उसके पीछे ना भागें कि मुझे ये कंप्लीट करना है। रादर जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करें, रीरीड करें, रिविजिट करें, ताकि अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो ऑफकोर्स आप उसे सही मार्क कर सकें, ठीक है। सो एक और चीज, चैप्टर 3 से रिलेटेड BCK, देखिए जो चैप्टर 3 में अमेंडमेंट्स हुए हैं उनका PDF भी मैं अभी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, पहले भी किया है, अगेन आई विल डू, लेकिन अगर आपने अभी तक BCK का चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है, देन डोंट पैनिक, उसके बारे में सोचते मत बैठो, लीव इट एज इट इज, पहले जो बाकी चीजें हैं उन्हें रिवाइज कीजिए। मैक्सिमम 5-7 नंबर के क्वेश्चन चैप्टर 3 से अगर आते हैं तो ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू डिटरमीन वेदर यू आर गोइंग टू फेल और पास। अगर आप उन्हें छोड़ भी देंगे, बाकी 93-94 मार्क्स का पेपर तो होगा आपके पास में स्कोर करने के लिए और पास होने के लिए। सो अगर नहीं टच किया अभी तक, देन डोंट डू इट नाउ एज वेल, उसे छोड़ दें ऐसे की ऐसे, और अगर कर लिया है आपने तो वेल, अच्छे से उसे रिवाइज कर लें, स्पेशली बैक क्वेश्चंस को जरूर कवर कर लें। और एक PDF मैंने बनाया है जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड ICAI का PDF है, और क्वेश्चंस का PDF जो मैंने तैयार किया है वो मैं आपको चैप्टर 3 का BCK का आज टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। ऑलराइट, सो दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी,
तो अच्छे से आप इन सारी चीजों को कर लें, जैसा कि मैंने बताया है हमारा टारगेट है 95+, राइट। सो आई विश कि आप सभी लोग अच्छे से अपने एग्जाम को कर पाएंगे और 95+ जरूर हम स्कोर करेंगे। अपनी प्रेजेंस जरूर आप नीचे वीडियो में मार्क कर दें। कल हम बीसीके के मैराथन में चैप्टर 4 के इकोनॉमिक्स रिविजन में और सुबह 8 बजे इम्पॉर्टेंट PDF वाले वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक आप अच्छे से अपने टाइम को यूज करें और रिवाइज करें। अगर कोई भी दिक्कत हो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। सो गाइज दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू ऑल टुमारो 8 AM। टिल देन कीप रिवाइजिंग वेल। बाय बाय।